डिंडोरी में शासकीय उच्चतर विद्यालय विक्रमपुर के शिक्षक अरुण राय के हौसले बुलंद हैं। अरुण 8 वर्षों से दोनों किडनी खराब होने के बाद भी नियमित रूप से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अरुण चाहते हैं कि बच्चे भविष्य में अपना नाम रोशन करें। वहीं विद्यालय का स्टाफ और छात्र छात्राएं शिक्षक अरुण राय की स्वस्थ होने की कामना करते हैं। शिक्षा जगत में आज भी ऐसे कई शिक्षक हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में मिसाल है। डिंडोरी के शासकीय उच्चतर विद्यालय विक्रमपुर में अरुण राय उच्च शिक्षक, जो 8 वर्षों से दोनों किडनी खराब होने के बाद भी नियमित स्कूल आकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इतना ही नहीं, विद्यालय का 12वीं का परीक्षा परिणाम भी 94% से 100% रहता है। शिक्षक अरुण राय का इलाज वर्षों से बिलासपुर में चल रहा है। शिक्षक अरुण राय कहते हैं कि बच्चों और स्टाफ के आशीर्वाद से दोनों किडनी खराब होने के बाद भी मुझे अपने बच्चों के भविष्य की चिंता है। जब तक जीवित रहूंगा बच्चों को पढ़ाता रहूंगा। वहीं अब डॉक्टर भी कह चुके हैं कि किडनी ट्रांसप्लांट करना ही पड़ेगा। इसके बावजूद भी अपने हौसले बुलंद करते हुए बच्चों को परीक्षा की तैयारी करा रहे हैं। वह इस मामले की जानकारी इनकी पत्नी से जानना चाहा तो वे भावुक हो गईं और कुछ न बोल सकी। स्कूल के छात्र छात्राएं कहते हैं कि सर की तबीयत 8 वर्षों से खराब है, लेकिन वे प्रतिदिन स्कूल आकर पढ़ाते हैं। हम सभी उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। ऐसे गुरु बहुत ही कम मिलेंगे जो अपनी जान से ज्यादा चिंता बच्चों की करते हैं। शिक्षक के जज्बे को हम सलाम करते हैं और उनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं। हमारे राय सर 8 साल से उनकी तबीयत खराब है, दोनों की खराब है। उसके बाद भी आते हैं और क्लास अटेंड करते हैं और अच्छे से पढ़ाते हैं और समझाते हैं और पूरे सिलेबस कोर्स कंप्लीट हो गया है। और हम सभी छात्र छात्रा ये कामना करते हैं कि वो जल्दी से स्वस्थ हो जाए। सर जी का मतलब स्वास्थ्य खराब होने के बाद भी सर रोज क्लास में आते हैं और क्लास पूरा अटेंड करते हैं और सर की दोनों किडनी खराब हैं। 2015 में पता चला था, पहली बार नवंबर 15 में नागपुर गई थी चेकअप कराने, वहाँ पर पता चला कि दोनों किडनी फेल। उसी समय डॉक्टर ने बोल दिया था कि आप ट्रांसप्लांट की तैयारी कर लें 6 महीने के अंदर और 15 दिन के बाद आएगी तो डायलिसिस करना पड़ेगा। बीमार के 8-8 साल हो गए और बीमार हैं, उनकी दोनों किडनी 80% बताते हैं कि डैमेज है। इसके बाद भी वो स्कूल आ रहे हैं और बड़े ईमानदार दोनों लोग वो चलाते हैं और अभी इलाज परहेज में चल रहे हैं, इलाज अभी चल रहा है उनका। और क्लास को बिल्कुल मिस नहीं करते, मैं उनको बहुत कहता हूँ कि भाई बन जाओ नहीं, लेकिन वो इतने में पढ़ाऊंगा। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।